हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्पायर ट्यूशन क्लासेस। आज हम साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं और हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो प्ले का इंट्रोडक्शन जानने से पहले हम उसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन प्ले है वो विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। विजय तेंदुलकर एक प्ले राइट है। उनका जन्म 1928 में मुंबई में हुआ। विजय तेंदुलकर के जो मोस्ट ऑफ वर्क्स है वो मराठी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और उनके पॉपुलर वर्क्स की बात करें तो सांताता कोर्ट चालू है वो विजय तेंदुलकर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क है। अब हम प्ले के बारे में चर्चा करें तो साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन 1963 में विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। ये प्ले ओरिजिनली मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था जिसका टाइटल था सांताता कोर्ट चालू है। और इस प्ले का परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम 1967 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये प्ले विजय तेंदुलकर के जीवन की एक सच्ची घटना पर आधारित है। और इसमें हमारी सोसाइटी और हमारी जो न्याय प्रणाली है उसको दर्शाया गया है। अभी हम थीम की चर्चा करें तो विजय तेंदुलकर ने इस प्ले में कई थीम्स को इंक्लूड किया है और वो सभी थीम्स हमारी सोसाइटी के रिलेटेड है। जैसे कि हमारी सोसाइटी का कल्चर जहां पुरुषों को प्राधान्य दिया जाता है, हमारी सोसाइटी में कैसे एक औरत को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, यह सब इस प्ले की मेन थीम्स है। यहाँ इस प्ले में विजय तेंदुलकर ने दर्शाया है कि कैसे एक वुमन न्याय के लिए लड़ते लड़ते अकेली पड़ जाती है और उसे न जाने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम कैरेक्टर्स की चर्चा करें तो प्ले में मेनली 6 कैरेक्टर है। उसमें से सबसे पहला और मेन कैरेक्टर है मिस लीना बेनारे का। इस कैरेक्टर को हम प्रोटैगनिस्ट या हीरोइन भी, प्ले की हीरोइन भी कह सकते हैं। मिस लीना बेनारे 34 ईयर ओल्ड की एक स्कूल टीचर है। वो अनमेरिड है और सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद कैरेक्टर आता है मिस्टर काशीकर का। मिस्टर काशीकर का कैरेक्टर जज का कैरेक्टर है, यानी कि वो इस प्ले में कोर्ट का जज है। तीसरा कैरेक्टर है मिस काशीकर का। मिस काशीकर है वो मिस्टर काशीकर की वाइफ है और वो जज की वाइफ होते हुए भी हर बार कोर्ट को डिस्टर्ब करती रहती है। चौथा कैरेक्टर सुखात्मे का है। सुखात्मे इस प्ले में प्रोसिक्यूशन लॉयर है जो मिस बेनारे के खिलाफ केस लड़ रहा है। पांचवा कैरेक्टर है प्रोफेसर डामले का। प्रोफेसर डामले एक प्रोफेसर है और अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसने मिस बेनारे को प्रेग्नेंट किया है और अब वो उसका स्वीकार करता है। लास्ट कैरेक्टर सामन का है। सामन का कैरेक्टर ऑनेस्ट कैरेक्टर है। वो न्याय में बिलीव करता है और वो इस प्ले में मिस बेनारे का साथ देता है। हमने इंट्रोडक्शन, थीम्स और कैरेक्टर्स की बात की। अब हम प्ले की समरी जान लेते हैं। तो प्ले की शुरुआत होती है एक नाटक से जहां सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और प्ले की शुरुआत में हमें कोर्ट का सीन देखने को मिलता है जहां मिस्टर काशीकर को जज बनाया गया है, यानी कि वो मिस्टर काशीकर इस कोर्ट का जज है। कोर्ट में मिस बेनारे पे मुकदमा चलाया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है और जो बच्चा है वो इलीगल है और उस बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि उसे पेट में ही मार देना चाहिए। एक्चुअली जो प्रोफेसर डामले है उसने मिस बेनारे को प्रेग्नेंट किया है और अब वो उसका अस्वीकार करता है। यहाँ विजय तेंदुलकर ने दिखाया है कि कैसे सब लोग मिस बेनारे के विरोध हो जाते हैं, यहाँ तक कि मिसेज काशीकर जो एक स्त्री होने के बावजूद मिस बेनारे का विरोध करती है। सुखात में जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है वो भी मांग करता है कि मिस बेनारे को सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ सामंत ही ऐसा है जो मिस बेनारे को सपोर्ट करता है, लेकिन एट द एंड सब लोगों की दलील के कारण मिस बेनारे को ही सजा दी जाती है और इस प्ले का ट्रेजिक एंड आता है। और कंक्लूजन पे आए तो विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया यह प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन हमारी सोसाइटी का जो अभी सिचुएशन है उसे दर्शाता है।
कि कैसे हमारी सोसाइटी एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है और यहाँ पर स्त्रियों का महत्व बहुत ही कम है। यह प्ले बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है और यह प्ले सक्सेस की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन का जनरल डिस्कशन। अब अगली वीडियो आने वाली है जो जिसमें हम चर्चा करेंगे साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन प्ले के टाइटल के बारे में, कि कैसे विजय तेंदुलकर ने इस प्ले के टाइटल में सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियो लेसन्स स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं तो हमारा फ्री एप्लीकेशन एम्पायर ट्यूशन क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।